हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आपका इंग्लिश टीचर महेश दास महंत, आज के क्लास 1 सेकेंड सेमेस्टर की बुक चैप्टर 1 स्टोन सूप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्टोन सूप। ओके, स्टोन सूप के बारे में। इस चैप्टर का नाम क्या है? स्टोन सूप। ओके, स्टोन सूप मीन्स पत्थर का सिर, सूप या पत्थर का काढ़ा। ओके, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ आप देख सकते हो कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सूप्स। यहाँ पर बहुत सारे सूप्स आप टेस्ट किए होंगे, स्वाद चखे होंगे, तो आपको बताने हैं कि आप कौन कौन से सूप के बारे में जान चुके हैं, कौन कौन से सूप के बारे में आप टेस्ट कर चुके हैं। ओके, तो सबसे पहले हम चैप्टर को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ओके, और उस अच्छा से एक्सप्लेनेशन मैं करूँगा। ठीक है, तो हम चैप्टर को पढ़ लेते हैं। ओके, ठीक है, तो यह हम देख सकते हो। वंस ए मैन नेम्ड हेनरिक, ऊपर वाली लाइन में आप देख सकते हो। एक बार की बात है, एक हेनरिक नाम का एक व्यक्ति था। वेंट टू ए विलेज, वह गांव जाता है। कहाँ जाता है? गांव जाता है, मतलब एक गांव गया हुआ था। कहाँ गया हुआ था? एक गांव गया हुआ था। ही वॉज वेरी हंग्री, वह बहुत ही भूखा था। क्या था? बहुत ही भूखा था। ही नोक्ड एट द डोर ऑफ ए हाउस, तब वो क्या करता है, एक दरवाजे पर, एक घर के दरवाजे पर जो है नॉकिंग करता है, दस्तक देता है, खटखटाता है। ओके, ए वूमेन ओपन द डोर, उस समय क्या होता है कि एक वूमेन जो है दरवाजे को ओपन करती है। क्या करती है? दरवाजे को ओपन करती है। फिर क्या हुआ, आगे क्या बातचीत हुई? इस व्यक्ति का नाम क्या है? हेनरिक। क्या नाम है? हेनरिक। हम नीचे पढ़ेंगे, आई एम वेरी हंग्री, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। प्लीज गिव मी सम फूड, ही अक्स्ट द वूमेन। हेनरिक बोलता है कि मैं भूखा हूँ, कृपा करके मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। वह महिला से ये सारी बातें उन्होंने कही। ओके, द वूमेन डिड नॉट वॉन्ट टू शेयर हर फूड विथ हेनरिक, वह महिला हेनरिक के साथ खाना बांटना नहीं चाहती थी, इसलिए वो बोलती है, आई डोंट हैव एनी फूड, सी सेड। वह बोलती है कि मेरे पास कोई भी खाना नहीं है, मेरे पास कोई भी खाना नहीं है आपको देने के लिए। ठीक है, तो हम नीचे के लाइन पढ़ते हैं, क्या होता है आगे देखते हैं। ओके, नीचे के लाइन में हुआ, हेनरिक न्यू सी वॉज लाइंग, हेनरिक जानता था कि वह झूठ बोल रही है। क्या बोल रही है? झूठ बोल रही है। ही हैड एन आइडिया, उसके पास एक तरकीब आता है, एक विचार आता है, खाना खाने के लिए कैसा आइडिया लगाया जाए। आई हैव ए मैजिक स्टोन, हेनरिक बोलता है कि मेरे पास एक जादुई पत्थर है। क्या है? जादुई पत्थर है मेरे पास। आई विल मेक सम स्टोन सूप फॉर यू, ही सेड टू द वूमेन, मैं आपको स्टोन सूप बना के दे दूंगा,
जो खाने बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ओके, तो नीचे वाली लाइन में लेडीज क्या बोलती है, टीच मी हाउ टू मेक स्टोन सूप। द वुमेन सेड, वुमेन कहती है कि मुझे बताओ स्टोन सूप कैसे बनाया जाता है, मुझे सीखना है। क्या करना है, मुझे सीखना है। हेनरिक वेंट टू द किचन, हेनरिक किचन में जाता है। कहाँ जाता है, किचन में जाता है। ही पुट सम वाटर इन ए पैन एंड पुट इट ऑन द, और कढ़ाई में एक पैन में कुछ पानी रखता है और उसको फ्लेम में, पैन ऑन द फ्लेम, उसको हम फ्लेम में, स्टोव में, गैस में, चूल्हा में, जो है आग के ज्वाला में रख देता है। ही देन पुट इट इंटू द स्टोन इंटू द पेन, फिर उस पानी में, उस पेन में कुछ स्टोन, कुछ पत्थर वह डाल देता है। ठीक है, तो ये हमारा एक पैराग्राफ जो है, एक पेज फिनिश हो गया। अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। कहाँ पर जाएंगे, नेक्स्ट पेज पर। देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या होता है। ये आपका नेक्स्ट पेज आ गया। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, हेनरिक टेस्टेड इट द वाटर, हेनरिक टेस्टेड द वाटर, ही सेड द सूप टेस्ट गुड, इट विल टेस्ट बेटर विथ, इट विल टेस्ट बेटर विथ सेल्ट एंड ऑनियंस। हेनरी बोलता है कि वाटर जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा है। ओके, अगर इस सूप में इसका इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा यदि हम इसमें कुछ सेल्ट और कुछ ऑनियंस मिला दें तो, इसमें हम कुछ सेल्ट या कुछ ऑनियंस मिला दें तो इसका सूप टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। द वुमेन चॉप्ड सम ऑनियंस एंड पुट देम इनटू द पैन, महिला उसमें कुछ ऑनियन चॉपिंग करती है, कुछ प्याज काटती है और उस पैन में, उस कढ़ाई में डालती है। से एडेड सम सेल्ट टू, और उसमें कुछ नमक भी, कुछ सेल्ट भी वह डालती है। ओके, हेनरिक स्टेयर्ड द सूप विद इन स्पून, ही देन टेस्टेड इट। हेनरी क्या करता है, फिर से उस सूप को चलाता है, स्टीर करता है और फिर से दोबारा उसका टेस्ट लेता है। ओके, ही सेड, वो कहता है, द सूप टेस्ट गुड बट इट विल टेस्ट बेटर विथ सम पोटेटोज। इस सूप का टेस्ट अच्छा हो गया है लेकिन इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा यदि हम इसमें कुछ कुछ पोटैटो डाल दें, कुछ आलू डाल दें। ओके, वुमेन क्या करती है, द वुमेन कट सम पोटैटोस एंड पुट देम इनटू द पैन, हेनरिक स्टिर्ड द सूप एंड टेस्टेड इट अगेन, दिस सूप इज वेरी गुड ही सेड। महिला फिर से उसमें आलू पोटैटो चॉपिंग करती है और डालती है। हेनरिक फिर से उस पैन को, उस सूप को चलाता है। ओके, अब फिर से बोलता है कि वाओ, इसका सूप का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो गया है, यदि इसमें जो है हम और भी कुछ मिला दें, यदि हम कुछ इसमें, बट इट विल टेस्ट बेटर, इवन बेटर विथ सम बीन्स एंड टोमेटोस, द सूप स्मेल गुड। वो बोलता है कि यदि इसमें हम कुछ और बीन्स, कुछ सेम और कुछ टोमेटो डाल दें तो इसका जो टेस्ट है और भी जोरदार हो जाएगा और भी स्वादिष्ट हो जाएगा, मज़ेदार हो जाएगा। ओके, द वुमेन वॉज हंग्री, हंग्री वह महिला भी हंग्री थी, भूखी थी। सी कट सम बीन्स एंड टोमेटोस एंड पुट देम इनटू द पैन, वह कुछ बीन्स और कुछ टोमेटो काटती है, टमाटर काटती है और उस पैन में डाल देती है। ओके, उसके बाद क्या हुआ, एट लास्ट द सूप वॉज रेडी,
हेनरिक टूक आउट द स्टोन ही देन ही पॉर्ड सम सूप इनटू ए बाउल। हेनरिक लास्ट में क्या करता है, उसके अंदर जितने भी स्टोन थे सभी को छान के वो निकाल लेता है एक एक करके, ओके, और सभी सूप को एक कटोरे में एक बाउल में रखता है, ओके। इतना समझ में आ गया होगा है, इस पेज का फिनिश हो गया है, अब हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट पेज आप देख सकते हो, नेक्स्ट पेज में बताया गया है, प्लीज टेक द मैजिक स्टोन ही सेड टू द वुमन। अब उन पत्थरों को निकाल के उन पत्थरों को लेडीज़ को दे देता है, अब बोलता है कि आप इन पत्थरों को आप संभाल कर रखिए, अपने पास रखिए, यू कैन मेक स्टोन सूप एवरी डे, रिमेंबर टू पुट इन सम सेल्ट ऑनियंस पोटेटोस टोमेटोस एंड बीन्स, और इन पत्थरों को संभाल के रखिए, अब जब भी आप अगले बार सूप बनाएंगे तो इसको संभाल के रखिएगा, उनको डालिएगा, और लेकिन उनमें बसरते रखिए कि उनमें सेल्ट ऑनियंस पोटेटो टोमेटोज बीन्स भी डालने पड़ेंगे। इस प्रकार से हेनरिक भूखा था तो अपने आइडिया से तरकीब से अपना भूख उनको मिट जाता है, एक कटोरा भर सूप एक बाउल भर सूप पी लेता है और उस लेडीज़ को भी पिला देता है खिला देता है। इस प्रकार से उनकी चतुराई उनके काम आती है, ओके। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया हो गया है। यदि इस चैप्टर में या कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो ज़रूर आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे जो बताए गए चैप्टर को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखें। अब आगे आपको क्या सीखना है इसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए आपको सभी को धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका शुभ दिन हो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।